है भोलेनाथ जी का पांव का निशान, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। तो अगर हर महादेव अंधेरा है तो अच्छा से दिखाई नहीं दिया होगा शायद, तो यहाँ पे देख सकते हैं हर महादेव, हर हर महादेव। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश बागदास, और आप लोग देख रहे हैं आकाश बागदास यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो गाइस मैं आज फिर से नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने आया हूं। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं भोलेनाथ का पाँव का निशान, जो भोलेनाथ शिव जी का पैरों का निशान। आप लोगों को मैं साथ साथ भोलेनाथ जी का पाँव का निशान दिखाने वाला हूँ। और ये है आप लोगों का भैरवपत मंदिर, जो भैरवपत मंदिर कहा जाता है इस पर, जहाँ भोलेनाथ का पाँव का निशान है। तो गाइस ये देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पे नीचे ये है भैरव मंदिर। चलिए भैरवपत भी कहा जाता है, भैरव मंदिर भी शिव जी का पाँव का निशान है यहाँ पे। तो गाइस आप लोगों को बता दूं कि भगवान शिव जी ने जो भैरव का रूप लेके युद्ध किया था, वो बानासुर के तरफ था, क्योंकि बानासुर भोलेनाथ के परम भक्त थे उनके। तो भोलेनाथ ने बानासुर का साथ दिया था, बानासुर की ओर से श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया था। आपको भैरव रूप, भैरव का रूप लेके, पूरा रुद्र अवतार रूप लेके श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया था। तो इसी युद्ध के दौरान भोलेनाथ जी का एक रुद्र अवतार यानी भैरव काल रूपी का उनका जो आकार था, उसी आकार का रूप का एक उनका पाँव का निशान यहाँ पे है, जो मेरे पीछे ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। ये मंदिर भैरव मंदिर, एक्चुअली भैरवपत मंदिर है। इसको भैरव यानी भैरव रूप, पद यानी पाँव, शिव जी का पाँव का निशान है, इसीलिए इसको भैरव पद भी कहा जाता है। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं बाबा भोलेनाथ का पाँव का निशान। इसमें श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ का यहाँ पे भीषण युद्ध हुआ था, और शिव जी ने रुद्र रूप लेके, भैरव का रूप लेके भगवान श्री कृष्ण विष्णु से यहाँ पे युद्ध किया था। तो यहाँ से होके हम लोग जाएंगे, आपको बारिश गिरा था बहुत, यहाँ पे स्लिप होने का चांसेस है। एक रोड वहाँ से भी है, मेन रोड, मेन रोड वहाँ से भी है, लेकिन ये शॉर्टकट है। बहुत रिक्सी है गाइस, और ये मिट्टी भी बहुत स्लिप करता है। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस बड़े बड़े पत्थर है, यहाँ पे यहाँ मंदिर के सामने बड़े बड़े पत्थर है, और सामने आपको दिखाई देगा ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, अभी पूरा पहाड़ है ब्रह्मपुत्र में, और यह है इसका इस तरह का नजारा है यहाँ पे। हर हर महादेव। तो अभी अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस चलिए आपको भोलेनाथ जी का चरण स्पर्श कराते हैं, और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आप लोगों को दिलाते हैं। और यहाँ पे है भोलेनाथ जी का चरण कमल, और चलिए गाइस अंदर जाके आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, और भोले बाबा से आशीर्वाद लेते हैं, और आप लोग बने रहिए मेरे साथ। गाइस देख सकते हैं ये भोलेनाथ का पाँव का निशान, यहाँ सामने हर हर महादेव। अंधेरा है जो अच्छा से दिखाई नहीं दिया होगा शायद, तो यहाँ पे देख सकते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखिए भोलेनाथ का पाँव का निशान, साक्षात भोलेनाथ का दर्शन। हर हर महादेव लिखिए कमेंट बॉक्स पे, हर हर महादेव। जय शिव शंकर, 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 हर हर महादेव, नमः शिवाय।
वो अभी अच्छे से दिखाई दे रहा है गाइस, देख सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ये है भोलेनाथ जी का पांव का निशान, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। तो गाइस ये है भैरव मंदिर लखपत, तो यहाँ पे भोलेनाथ जी के पांव का निशान है। साक्षात भोलेनाथ जी का दर्शन आप लोग कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय शिव शंभु, जय शिव शंभु, जय शिव शंभु। तो गाइस भोलेनाथ का पांव का दर्शन भी हो गया है, भोलेनाथ का भैरव का दर्शन भी हो गया है, मन प्रफुल्लित हो गया है। तो देख सकते हैं भोलेनाथ जी का पांव का निशान, आप लोगों ने भी देखिए एक पत्थर पर इस तरह से दबा है पूरा भोलेनाथ का। कम से कम आपका आपका आप लोग ऐसे ही सपोर्ट, एक फीट का जैसा होगा पांव का निशान, पत्थर के अंदर दब गया है पांव का निशान भोलेनाथ का। साक्षात भोलेनाथ जी का दर्शन किया है और आप लोगों के भी दर्शन करवाया है भोलेनाथ का। तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और भोलेनाथ का दर्शन कीजिए। यहाँ पे आइए, ये लोकेशन है आपका तेजपुर से लगभग बाइक पे या गाड़ी पे आने से आपको 10-15 मिनट लगेगा और साइकिल पे आने से 20 मिनट करीब लगेगा। तो ये जगह का नाम है आपको रुद्रपद, आपको बोलिए रुद्रपद पहुँचा देगा, नहीं तो भैरवपद मंदिर बोलिए आपको पहुँचा देगा। और आके भगवान भोलेनाथ जी का साक्षात दर्शन कीजिए, भगवान जी का चरण स्पर्श कीजिए और आशीर्वाद लीजिए भोलेनाथ का, और बाबा के चरण छू के आशीर्वाद ले सकते हैं। ये साक्षात है, मैंने आप लोगों को लाइव दिखाया है, और ये बाबा का पद चिन्ह है और भोलेनाथ का पैरों का निशान है। और इतने बड़े पैर मैंने अब आज तक देखा नहीं था, लेकिन ये इतने बड़े भोलेनाथ का पांव का निशान है, वो भी पत्थर के अंदर है। आप लोग आके खुद देख सकते हैं यहाँ पे और भोलेनाथ के आशीर्वाद ले सकते हैं। तो गाइस वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स पे लिखिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।